INS वागीर जो है वो एक SSK क्लास ऑफ सब SSK जो बोलते हैं हम जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं जो लिटोरल वाटर्स और ओपन सीस दोनों में कामयाब हो सकता है. तो वागीर क्लोजर टू द शोर एंड मिड ओशन कहीं भी डिप्लॉय हो सकती है. INS वागीर जो है वो जो भी असाइन रोल्स सबमरीन्स के होते हैं जो रिकनेसेंस हो जो प्रेजेंस मेंटेन करना हो या अटैक हो व्हाट रिक्वायरमेंट हो जो नेवी का रिक्वायरमेंट है और देश का रिक्वायरमेंट है उसको पूरे करने के लिए रेडी रहेगा. ये आत्मनिर्भर भारत की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि ये जो फिफ्थ जैसे आपने बोला था कि पांचवी कलवरी क्लास सबमरीन है. पहले दो सबमरीन जो हैं वो फ्रेंच टीम ऑनबोर्ड रहती थी और वो बनाते थे. उसके बाद धीरे धीरे इंडियन कंस्ट्रक्शन शुरू हुए और ये गर्व की बात है कि ये तो वागीर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली डन बाई MDL ने जो पूरा कंस्ट्रक्शन किया और ओवरसीइंग भी इंडियन नेवी ने किया. तो ये कम्प्लीटली डन इंडियन पूरा आत्मनिर्भरता के बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि बहुत एक आध ट्रायल्स छोड़ के बाकी सारे ट्रायल्स भी नेवी और MDL ने साथ में मिलकर के किया है. देखिए सबमरीन आर्म जो है सबमरीन एक वॉलंटियर सर्विस है ये स्पेशल फोर्सेस है तो लोग जो आना चाहेंगे वही आ सकते हैं और वो वॉलंटियर करने के बावजूद भी उनके कुछ मेडिकल टेस्ट कुछ साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सब होते हैं तो उसके बाद ही हम सबमरीन में भर्ती होते हैं. तो उसके बाद हमें ट्रेनिंग दिया जाता है उसके बाद हम सबमरीनर बनते हैं. तो उसके बाद हमारे जो रोल्स और ये है थोड़ा डिफरेंट इसीलिए हम जनरली हम जब सेलिंग जाते हैं हम सूरज नहीं देख सकते हम तो थोड़ा कंडीशन टफ रहते हैं बट उसके लिए हमें काफ़ी ट्रेनिंग दिया गया एंड हम रेडी है उस टफ कंडीशंस में काम करने के लिए और देश की सेवा करने के लिए.